हेलो वेलकम, नमस्ते। आज हम बनाएंगे टमाटो चटनी। ये चटनी बहुत बनने में आसान तरीका है और जल्दी बन जाती है, और ये बहुत ही टेस्टी और बढ़िया चटनी है। उसको आप पकोड़े के साथ खा सकते हो, प्लेन डोसे के साथ खा सकते हो, सैंडविच में लगा के भी खा सकते हो, अलग अलग तरीके से भी खा सकते हो, चपाती थेपले पे भी। तो बहुत ही बढ़िया चटनी है। इसको आप बना के फ्रोजन भी कर सकते हो और फ्रिज में भी आप रख सकते हो 3-4 वीक तक। बहुत ही बढ़िया लगता है। उसके लिए हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है, उसके अंदर हम डालेंगे ब्लैक पेपर, काला मरी, लौंग, रेड चिली, सूखी हुई रेड चिली और जिंजर, कटा हुआ जिंजर। उसको हम सेकेंगे मीडियम हीट पे, आपको उसको सेकना है। उसके अंदर हम डालेंगे उड़द दाल, थोड़ी सी उड़द दाल, उसको भी आप गुलाबी गोल्डन ब्राउन हो जाए ये सब तब तक आपको भूनना है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आप इसको पकाएं, जब तक इसका कलर थोड़ा सा बदल नहीं जाता तब तक। टमाटो को साइड में आप कट करके रखें। ये देखिए, थोड़ा सा ऑयल, 2 टेबलस्पून जितना ऑयल ले, उसके अंदर आप सौते करें। कलर देख रहे हैं आप इसका बदल रहा है। उसके अंदर हम अब चॉप टमाटर जो हमने कट करके रखे हैं वो डालेंगे। थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, बाद में आप टेस्ट करके भी डाल सकते हैं अगर थोड़ा कम है तो। हींग थोड़ी सी। अब इसको हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट तक इसको हम पकाएंगे, अच्छी तरह से टमाटो पक जाए, गल जाए तब तक पकाना है। मिक्स करते रहें, उसके बाद इसको ठंडा होने दें इस, और उसके बाद हम ब्लेंडर में उसको या ग्राइंडर में आप इसको स्मूथ पेस्ट बना ले इसकी, जैसे ठंडा होता है तब। तो ये हम 6 से 7 मिनट तक इसको पका लें, उसके बाद साइड में ठंडा होने के लिए रख लेंगे। और थोड़ा सा तेल लेके उसके अंदर उड़द दाल, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, सूखी हुई लाल मिर्च, और करी हुई, ये हमने पीस के रखी है चटनी, जैसे हमने बोला ठंडा हो जाए उसके बाद आप पीस ले। ये तड़का बताया है वो हम उसमें डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी चटनी, टमाटर चटनी रेडी हो गई है। इसको आप पकोड़े या डोसे के साथ, प्लेन डोसे के साथ सर्व करें गर्मा गर्म। थैंक यू वेरी मच।